देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत एक वर्ष पहले पानीपत से की गई थी। इसी अभियान की पहली वर्षगांठ मनाते हुए विकलांग उत्थान समिति द्वारा शहर में एक जागरूकता रैली निकाली। जागरूकता रैली को CGM परमिंदर कौर पानीपत व महिला सेल DSP विदा देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज फर्स्ट एनिवर्सरी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में सब बेटियों को बहुत बहुत मुबारक देती हूँ और गवर्नमेंट के इस कदम को बहुत सहारते हुए ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में दो मैसेज दिए हैं, पहला पड़ाव है बेटी बचाओ, दूसरा पड़ाव है बेटी को पढ़ाओ। जो बेटियां बची हुई हैं और पढ़ रही हैं, मैं उनको कहती हूँ इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से ना जाने दो, फ्यूचर की फिक्र ना करो, आप सिर्फ पढ़ो। पढ़ने से पढ़ना बहुत बड़ा हथियार है। इवन कि गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया है कि मेरे को अगर किसी ने पाना है या तो वो मेरे में बिल्कुल अधीन हो जाए, अगर मेरे में अधीन नहीं हो सकता तो मुझे गीता पढ़े, मतलब कि नॉलेज से, और या फिर अपने ऐसे कर्म करें जिसमें फल की बिल्कुल इच्छा ना करें। पानीपत से AZR TV न्यूज़ के लिए सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।